नमस्कार दोस्तों, हाल ही में फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, आपको पता ही है। अब बॉलीवुड में बॉयकॉट का डर ऐसा बैठ गया है कि अब ये काफी घबरा चुके हैं और वो अब सामने भी दिख रहा है। जिस एक बॉयकॉट की मुहिम को हमने शुरुआत किया था, उस मुहिम को अब अंजाम तक पहुंचाने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुहिम सफल हो चुका है। बॉलीवुड के सारे जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उन्हें ये डर हो गया है कि ये बॉयकॉट बॉलीवुड उनका कैरियर चौपट कर देगा। लाल सिंह चड्ढा की बात करूं तो इतनी बुरी ओपनिंग हुई है कि सिर्फ 11.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, वो भी शुक्रवार के दिन ओपनिंग के वक्त। और लाल सिंह चड्ढा के 1300 शो कैंसिल हुए हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा एक स्टेप है कि बॉयकॉट बॉलीवुड की मुहिम अपने आप में सफल होती हुई दिख रही है। आखिर हो भी क्यों ना, जिस प्रकार से इन लोगों ने बॉलीवुड में खुद को अपने आप को भगवान साबित कर लिया था, वो कहीं ना कहीं आम जनता उससे बहुत ही ज्यादा नाराज थी। और जो गलत बातें सिखाई जा रही थी, जो हमारे समाज पे प्रभाव पड़ रहा था, उसका तो एक न एक दिन यह हश्र होना ही था। और अब तो खुलकर के बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ये कहने लगे हैं कि पता नहीं क्यों सारे लोग बॉयकॉट बॉलीवुड के नारे लगाते हैं। और इसका अंजाम हम पिछले कई फिल्मों से देख रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा, जो कि सिर्फ पंजाब में थोड़ा अच्छा बिजनेस कर पाई है, वो भी इसलिए कि फिल्म के आधे जो डायलॉग्स हैं वो पंजाबी में हैं और बाकी ऑल ओवर इंडिया में इस फिल्म की हालत बहुत ही खराब है। और इस सुपर फ्लॉप फिल्म जो आमिर खान की थी, ठग ऑफ हिंदुस्तान, उससे भी बुरा ओपनिंग मिला है लाल सिंह चड्ढा को। अब देखना यह है कि आखिर यह बॉलीवुड के जो भगवान भाईजान किंग, ये जो खुद को स्थापित कर चुके थे, अब ये क्या कदम उठाते हैं। जय हिंद, जय भारत।